बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 18 प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इकोसिनॉइड्स। तो इस चैप्टर के रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर असल हमने सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन होते क्या है, इकोसिनॉइड्स होते क्या है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, लिकोटाइन की क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है और इनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो ये चैप्टर छोटा सा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं इकोसिनॉइड्स। इकोसिनॉइड्स होते क्या, इकोसिनॉइड्स एक एंडोजीनस फैटी एसिड ऑटोकॉइड होते हैं। ऑटोकॉइड का मतलब जहां से प्रोड्यूस होती है उसी सेल के ऊपर जाकर काम करना शुरू कर देती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑटोकॉइड। ठीक है, ऑटो का मतलब सेल्फ, कॉइड का मतलब प्रोडक्शन। एंडोजीनस फैटी एसिड है और ये 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से डिराइव्ड होते हैं, अरेकिडोनिक एसिड जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो इसी से सारे के सारे इकोसिनॉइड्स डिराइव्ड होते हैं। इकोसिनॉइड्स कौन कौन से आते हैं जो हमारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के लिए काफी ज्यादा है, तो वो है पहला स्ट्रेट चेन डेरिवेटिव, दूसरा साइक्लिक डेरिवेटिव। जो स्ट्रेट चेन डेरिवेटिव है इसके अंदर ल्यूकोट्राइन आ जाते हैं, जबकि साइक्लिक डेरिवेटिव के अंदर प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन। ठीक हो गया, तो दो तरह के है, एक होती है स्ट्रेट चेन और एक होती है साइक्लिक। जो स्ट्रेट चेन है ल्यूकोट्राइन्स है, ये ल्यूकोट्राइन B4 C4 D4 ये इंपॉर्टेंट है जो सीजनल एलर्जी कॉज करते हैं, अस्थमा वगैरह कॉज करते हैं, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लिक डेरिवेटिव होते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं PGE1 E2 F2 के, प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन TXA2 होता है। इकोसिनॉइड्स के एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं जो हमारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहला ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट। जो ल्यूकोट्राइन के एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, कुछ ल्यूकोट्राइन के एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, लिपोक्सिजिनेस को, कुछ इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से देखो तो आपको नजर आएगा कि ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करने वाले कौन से थे। तो जो ल्यूकोट्राइन के जो एंजाइम होते हैं लिपोक्सिजिनेस, इसको ब्लॉक करने वाला ज़िलियोटिन था, जबकि इसके रिसेप्टर को एंटागोनाइज करने वाला ज़ाफिलुकास्ट और मोंटोलुकास्ट। यानी लुकास्ट होते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं और ज़िलियोटिन वाले क्या होते हैं, इनके एंजाइम के ब्लॉकर्स होते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इकोसिनॉइड्स एगोनिस्ट वगैरह के। इकोसिनॉइड्स के एगोनिस्ट को देख लेते हैं, इकोसिनॉइड्स के एंटागोनिस्ट को देख लेंगे। तो पहले इनके एगोनिस्ट उनके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। ये जो इकोसिनॉइड्स होते हैं प्राइमरी जो प्रिंसिपल इकोसिनॉइड्स होते हैं, स्ट्रेट चेन ल्यूकोट्राइन और साइक्लिक प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ग्लोसरी वगैरह को देख लेते हैं, कुछ ग्लोसरी के की टर्म्स को देख लेते हैं। तो पहला है अबॉर्टिफेशन, की कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसने अबॉर्शन करवाना होता है तो वो अबॉर्टिफेशन होती है। एग्जाम्पल क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा क्या है, अबॉर्टिफेशन है, यानी अबॉर्शन करवा देती है। अगर आप यहाँ से देखो, टेबल से देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है, डेरिवेटिव है। जैसे एग्जाम्पल लिटानोप्रोस्ट, ये क्या करती है, इसके क्या होते हैं साइड इफेक्ट, क्या है, अबॉर्शन वगैरह करा सकती है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ से देखो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ये जो यूट्राइन टोन है सबसे ज्यादा यही बढ़ा रही है यूट्राइन टोन को। ठीक हो गया, बाकी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा रही, सिर्फ यही बढ़ाती है। तो अबॉर्टिफेशेंट है। साइक्लोक्सिजिनेस, ये वो एंजाइम है जो एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर। पहले ये कन्वर्ट कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन जी और प्रोस्टाग्लैंडिन एच, उससे बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन थ्रोम्बोक्सिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन कौन से होते हैं, ई सीरीज, एफ सीरीज, ई में भी E1, E2 और F2, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, थ्रोम्बोक्सिन TXA2। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन में कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होती है जिसकी वजह से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है, तो पेनफुल मेंसिस इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो असल में होता यह है कि मेंसिस के दौरान क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होना शुरू हो जाती है, तो वो यूट्राइन क्रैम्पिंग करा देती है, उस क्रैम्पिंग की वजह से सीवियर पेन होता है। इसके बाद है ग्रेट वेसल ट्रांसपोजिशन। ग्रेट वेसल ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि यह सीवियस की एबनॉर्मैलिटी है जिसमें जो बड़े बड़े वेसल्स कौन सी है जो हार्ट से निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। एओर्टा नॉर्मली निकलता होता है लेफ्ट से और पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक होता है राइट से निकलता होता है। लेकिन अगर उल्टा हिसाब हो जाए कि पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले और एओर्टा राइट वेंट्रिकल से भी निकले, तो उसको बोलती है ग्रेट वेसल ट्रांसपोजिशन। ठीक हो गया, अब ये लाइफ से इनकॉम्पेटिबल है, लेकिन अगर लाइफ को मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस चाहिए या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट चाहिए। ठीक हो गया, ये इन दोनों में से कोई एक चीज चाहिए, अगर ये ना होगा तो फिर डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ हम यूज करते हैं, कौन से यूज करते हैं वो आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से यूज करते हैं। असल में प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स वगैरह होते हैं। लिपोक्सिजिनेस, लिपोक्सिजिनेस ऐसा एंजाइम है जो एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन के अंदर कन्वर्ट कराता है, जबकि साइक्लोक्सिजिनेस एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन के अंदर कन्वर्ट करा देता है। इसके बाद है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, इसमें एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, सिलोकॉक्सिब। सिलोकॉक्सिब होती है स्पेसिफिक होती है किसके लिए, टाइप 2 वाले के लिए, जबकि ये दोनों के लिए होती है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती है, साइक्लोक्सिजिनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ऑक्सीटॉक्सिक ऐसी ड्रग जो यूट्राइन
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है और अबॉर्शन करवा देती है। अगर वो उसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए तो उसे ऑक्सीटोसिन बोलती है, असल में ये निकला है ऑक्सीटोसिन से। इसके बाद है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की। एक नॉर्मल क्या होता है कि एक शंट होता है किसके दरमियान, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान एक शंट होता है, अगर वो परसिस्ट रह जाए ठीक है तो उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। बर्थ के बाद नॉर्मली ये फीटल लाइफ के अंदर ये शंट होता है, लेकिन बर्थ के बाद ये परसिस्ट कर जाए तो उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसके बाद है फॉस्फोलाइपेज A2, ये वो एंजाइम है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जिसने लैक्टोनिक एसिड को रिलीज करवा देना है फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोन से। इसके बाद है स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस SRSA। अब इनको कहते क्या है ठीक है, अब कहते हैं कि जो एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर ये सब्सटेंस देखने को मिलती है, ये असल में ल्यूकोट्राइन के मिक्सचर्स होती है, ल्यूकोट्राइन C4D4E4 इनको मिला के कहते हैं स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस। ठीक हो गया, अब हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। जो प्रिंसिपल इकोसिनाइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक डेरिवेटिव। जो ल्यूकोट्राइन थे वो स्ट्रेट चेन थे, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन थ्रोम्बोक्सिन और जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2 F2 ये सारे क्या होते हैं साइक्लिक डेरिवेटिव होते हैं एराकिडोनिक एसिड के। ठीक हो गया, अब इनके नाम क्या आगे ठीक है, इनके नाम क्या कोई लेटर लगा होता है जैसे आपको नजर आ रहा होगा PGE1 लगा हुआ, कोई लेटर लगा हुआ तो वो लेटर किसको शो कर रहा है, किसी फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है। वन किसको शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को, जैसे PGE1 के अंदर ई फंक्शनल ग्रुप होगा जो पता नहीं शायद हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा कीटो ग्रुप होगा, जबकि वन के नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, सिंथेसिस, अभी इकोसिनाइड की सिंथेसिस क्या होती है, इकोसिनाइड की सिंथेसिस किसी न किसी स्टीमुलाई के नतीजे में होती है, जैसे फिजिकल स्टीमुलाई हो सकती है, फिजिकल इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो गया, तो जो ये स्टीमुलस करते क्या, ये स्टीमुलस क्या करते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट कर देते हैं, जो साइल मेम्ब्रेन के अंदर या साइटोप्लाज्म इसमें भी हो सकता है। अब ये पूरा पाथवे यहाँ पे नजर आएगा आपको कि कोई अगर इंजरी हो गई है या कोई और मैकेनिज्म है जिसने फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट कर दिया, जबकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉस्फोलाइपेज A2 को और ऑक्सीजनेस दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। अब मेम्ब्रेन लिपिड से निकलेगा एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड दो पाथवे में जाएगा, लिपोक्सीजनेस और साइक्लोक्सीजनेस। साइक्लोक्सीजनेस एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए दो चीजें हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। लिपोक्सीजनेस को ब्लॉक करने वाला ज़िलियोटिन एंजाइम है। अब लिपोक्सीजनेस से प्रोड्यूस होती है पहले हाइड्रोपरोक्साइड्स, फिर वहां से प्रोड्यूस होते हैं ल्यूकोट्राइन B4 C4 D4 जो कि रिसेप्टर पर जाके काम करते हैं, और रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए ज़ेफिरोलोकास्ट और मोंटोलोकास्ट वगैरह होते हैं, जबकि साइक्लोक्सीजनेस को ब्लॉक करने वाला नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, तो वहां से एंडोपरोक्साइड प्रोड्यूस होती है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोपरोक्साइड PGG PGH वहां से प्रोस्टासाइक्लिन प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन वगैरह प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से थ्योरी वगैरह को देख लेते हैं कि रैकेडोनिक एसिड टेट्राइनोइक होता है, मतलब इसमें चार डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से रिलीज होता है। रैकेडोनिक एसिड को मेटाबोलाइज करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट एंजाइम लिपोक्सीजनेस पाथवे जिससे स्ट्रेट चेन ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे, साइक्लोक्सीजनेस पाथवे जिससे साइक्लिन डेरिवेटिव बनेंगे प्रोस्टासाइक्लिन प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन। साइक्लोक्सीजनेस दो फॉर्म में रहता होता है, साइक्लोक्सीजनेस 1 साइक्लोक्सीजनेस 2। साइक्लोक्सीजनेस 1 है ये क्या होता है, ये हमारे बहुत सारे टिश्यू के अंदर होता है। ठीक हो गया, यानी जो साइक्लोक्सीजनेस 1 है ये हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो साइक्लोक्सीजनेस 2 है इन्फ्लेमेटरी सेल के अंदर है और इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो इन्फ्लेमेशन के अंदर टिश्यू इंजरी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। ठीक हो गया, इसके साथ साथ जो साइक्लोक्सीजनेस टाइप 2 है ये प्रोस्टासाइक्लिन और ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाता है जो हमारे रीनल फंक्शन को मेंटेन करते होते हैं। इसके साथ जो लास्ट है थ्रोम्बोक्सिन बनता है प्लेटलेट्स के अंदर, और प्लेटलेट के अंदर बनने के बाद प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देता है, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन बनता है एंडोथेलियल सेल्स और ब्लड वेसल्स। अब थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब अगर थ्रोम्बोक्सिन ने प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ाना है तो प्रोस्टासाइक्लिन इसके एग्रीगेशन को ब्लॉक करेगा, थ्रोम्बोक्सिन ने वेजो कंस्ट्रक्शन करानी है तो प्रोस्टासाइक्लिन वेजो डायलेशन कराएगा। इन शॉर्ट जो थ्रोम्बोक्सिन है ये प्लेटलेट क्लॉटिंग बढ़ा के थ्रोम्बस फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, थ्रोम्बोजेनिक है, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन एंटी थ्रोम्बोजेनिक होता है। ठीक हो गया, कहते हैं कि जो टेट्राइनोइक फैटी एसिड होता है हमारे डाइट में, अगर उसको ट्राइनोइक फैटी एसिड से या पेंटाइनोइक फैटी एसिड से, मतलब 5 डबल बॉन्ड वाले 3 डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड से रिप्लेस कर दे, तो उसकी वजह से ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं जो रिलेटिवली लेस एक्टिव होते हैं, मतलब अगर आप फैटी ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं ठीक है, फैटी ऑयल्स वगैरह प्लांट से या कोल्ड फिश, तो क्या है वो यूजफुल होते हैं इन्वॉल्विंग पैथोजेनिक लेवल ऑफ इकोसिनाइड्स, मतलब जो ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन जो लेस एक्टिव होते हैं तो वो पेंटाइनोइक वाले या ट्राइनोइक वाले यहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये रिलेटिवली हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी, फैटी ऑयल्स हो गए और कोल्ड वाटर फिश सॉस जिस तरह मैरीन वगैरह का होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के किस तरह से काम करते हैं इकोसिनाइड्स, तो इकोसिनाइड्स काम करते हैं जी प्रोटीन कपड़ रिसेप्टर के जरिए एडीनालाइल साइक्लेज के एक्टिवेट करवा के काम करते हैं। ठीक है, या तो एडीनालाइल साइक्लेज के जरिए या जी क्यू के जरिए, जो जी एस होता है उसने काम करना है एडीनालाइल साइक्लेज के जरिए, और जो जी क्यू होता है उसने काम करना है IP3 डैंक सिस्टम के जरिए। ठीक हो गया, कहते हैं कि 4 रिसेप्टर्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए, ई के लिए स्पेसिफिकली, EP1 EP2 EP3 EP4।
इसको याद किस तरह से करना, ई इन्होंने उठाया कि सब्सटिट्यूएंट से पी का मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो ई पी वन से लेकर ई पी फोर चार रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ के तकरीबन दो रिसेप्टर होते हैं ए और बी, ठीक है, जबकि आई टू, आई टू का ए के रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं आई पी, इन सब के आखिर में आपने पी लगा देना है, थ्रोम्बोक्सिन इसके आखिर में भी पी लगा देना है, ठीक है, और इसके दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा और बीटा, लिकोट्राइन दो लिकोट्राइन्स होते हैं, ठीक है, टू लिकोट्राइन बी फोर रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो बी एल टी वन लिकोट्राइन के एंड में लगाना आपने एल टी, और इनका जो सब्सटिट्यूएंट है उनको पहले लिख लेना बी एल टी वन और बी एल टी टू, जबकि लिकोट्राइन सी फोर का ए के रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं सिस्टीनाइल, जबकि लिकोट्राइन डी फोर का होता है सिस्टीनाइल एल टी वन, ठीक है, एल टी वन, जबकि एल टी टू होता है सी फोर का, तो ये सारे रिसेप्टर्स हो गए थे किसके, ये हो गए थे ये हमारे इकोसिनॉइड्स के, दोबारा बता देता हूँ, चार थे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए ई पी वन, वन से लेकर फोर तक, दो थे हमारे एफ के लिए, वो थे ए और बी, आई का एक ही होता है थ्रोम्बोक्सिन के दो होते हैं अल्फा बीटा, लिकोट्राइन के वन और टू होती है, जबकि लिकोट्राइन सी फोर का टू और लिकोट्राइन डी फोर का वन होता है, ठीक है, अब इनके इफेक्ट्स वगैरह को देख लेते हैं, अब इन सबको कंपैरिजन भी देख लेते हैं, इनका कंपैरिजन, जब प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू और, ठीक है, ई टू है यहाँ पे एफ टू अल्फा आई टू थ्रोम्बोक्सिन ए टू बी फोर सी फोर डी फोर, ठीक है, अब मेजर रिसेप्टर इसके वन से लेकर फोर है, ए और बी है, आई पी सिंगल है, अल्फा बीटा है, वन टू टू और वन, कपलिंग प्रोटीन या जी एस के जरिए काम करेगा, ठीक है, अब एक बात आपने नोट करनी है, सारे के सारे जी क्यू के जरिए काम कर रहे हैं सिवाय एक के, जो आई टू वाला है ये वाला जी एस के जरिए और ई टू ये भी जी एस के जरिए, बाकी सारे क्या होते हैं, बाकी सारे जी क्यू के जरिए, और ये वाला आखिर वाला ये आई आई के जरिए काम कर रहा है। इसके बाद देख लेते हैं वैस्कुलर टोन, तो अभी वैस्कुलर टोन वगैरह इनके फंक्शन को भी हम यहाँ से देख लेते हैं, इफेक्ट्स वगैरह क्या हैं, अब इनके इफेक्ट क्या होते हैं, इनके इफेक्ट आपको स्मूथ मसल के ऊपर देखने को मिलती है, जिस तरह आपने ऊपर देखा वैस्कुलर टोन, इनके वैस्कुलर टोन, ब्रोंकियल टोन, यूट्राइन टोन है, इनके एक्शन आपको प्लेटलेट के ऊपर देखने को मिलती है, इनके एक्शन आपको सीएनएस के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक हो गया। अब कुछ ऐसे इकोसिनॉइड्स होते हैं जो किसी पैथोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन एफ टू अल्फा थ्रोम्बोक्सिन लिकोट्राइन सी फोर डी फोर, ये सारे किस में इन्वॉल्व थे, पैथोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर थे, इन्फ्लेमेशन के अंदर थे, स्पेसिफिकली जो लिकोट्राइन सी फोर है और डी फोर है ये हमारे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, शॉक वगैरह करवाती है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफिलैक्सिस के तौर पर भी काम आती है, यानी एनाफिलैक्टिक शॉक वगैरह करवा देती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और एनाफिलैक्टिक शॉक, ठीक है, कौन सी फोर डी फोर, तो अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है सबसे ज्यादा एरो लिकोट्राइन सी फोर और डी फोर के लिए दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लिकोट्राइन बी फोर के फंक्शन देख लेते हैं, लिकोट्राइन बी फोर के कीमोटैक्टिक फैक्टर है जो इन्फ्लेमेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू और प्रोस्टासाइक्लिन इनका क्या फंक्शन होता है, ये एंडोजीनस वेसोडायलेटर होते हैं, ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई वन होता है उसके डेरिवेटिव होते हैं, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को मेंटेन करती है, इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, मतलब ये बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को बढ़ा देती है, म्यूकस की सिक्रेशन को बढ़ा देती है, हाइड्रोजन की सिक्रेशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से एसिड अल्सर होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। जो पीजी ई टू है ये नेचुरल वेसोडायलेटर है जो कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को मेंटेन रखता होता है, पिटेंसी को मेंटेन रखता है, इसके अंदर फीटल डेवलपमेंट के अंदर, फीटल लाइफ के अंदर, ठीक है, किडनी के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को मेंटेन करते हैं, हमारे एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल और मेसेंजियल सेल इन दोनों के ऊपर जाकर काम करते हैं। अगर क्या होगा, अगर हम एन सेल यूज करते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन कम से कम होगी, फाइनली डायबिटिक अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू और एफ टू अल्फा ये ज्यादा होते हैं एंडोमेट्रियम में रिलीज होते हैं मेंसेस के दौरान और ये पेन वगैरह करवा देते हैं। ई टू और एफ टू अल्फा, ई टू है ये फिजियोलॉजिकल सॉफ्टनिंग करवा देता है सर्विक्स की एट्रम, ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू और एफ टू अल्फा है ये लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, प्लेटलेट की एग्रीगेशन थ्रोम्बोक्सिन की वजह से होती है। जो टॉपिकली पीजी एफ टू अल्फा है तो ये ग्लोकोमा के अंदर भी इस्तेमाल होता है, किसके अंदर इस्तेमाल होता है, ग्लोकोमा। तो इनके इफेक्ट क्या क्या आपने नोट किया, दोबारा बता देता हूँ, लिकोट्राइन सी फोर डी फोर ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन के अंदर, एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर, लिकोट्राइन बी फोर कीमोटैक्टिक फैक्टर है, फिर ई टू और प्रोस्टासाइक्लिन एंडोजीनस वैसोडायलेटर होती है, ई वन और इसके डेरिवेटिव होते हैं, स्टोमक के म्यूकोसा को मेंटेन करते होते हैं, ई वन वाले स्पेसिफिक E1 वाले, जबकि E1 और E2 वैसोडायलेटर है, जो E2 है ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, किडनी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन उसको मेंटेन करते हैं, इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, E2 और F2 अल्फा डिसमेनोरिया भी कॉज कर देते हैं, और लास्ट है जो F2 अल्फा है ग्लोकोमा के लिए इस्तेमाल होता है। अब इनके क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं, पहला है ऑब्स्ट्रिकियल यूज, जो E2 और F2 अल्फा आपने देखा था, E2 और F2 अल्फा क्या कर रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ था E2 और F2 अल्फा फिजियोलॉजिकल रोल इन लेबर, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है जब प्रेगनेंसी खत्म हो रही होती है, E2 और F2 अल्फा जो इनके एगोनिस्ट होते हैं, जैसे E2 का एगोनिस्ट होता है जिसको बोलते हैं डाइनोप्रोस्टोन, F2 अल्फा इसका एगोनिस्ट कौन होता है, इसके एगोनिस्ट को बोलते हैं F2 अल्फा के एगोनिस्ट को बोलते हैं यहाँ पर लिटानोप्रोस्टेट, लिटानोप्रोस्ट, जबकि E2 वाले को बोलते हैं डाइनोप्रोस्टोन। इनका क्या है, ये
जैसे एफ टू अल्फा ये लेबर के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, जबकि ई टू अल्फा अबॉर्टिव फेशियल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या सर्विकल राइपनिंग वगैरह के लिए भी, जबकि एफ टू अल्फा ग्लोकोमा के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम देख लेते हैं, ठीक हो गया। तो पहली बात, जो ई वन और एफ टू अल्फा है ये क्या करते हैं, ये यूज होते हैं सर्विस की सॉफ्टनिंग में लेबर से पहले, स्पेसिफिकली ई टू वाला, जब भी वहां पे लिखा होगा सर्विकल राइपनिंग लिखा होगा, इसके साथ लिखा हुआ ई टू और एफ टू अल्फा, ये अबॉर्टिव फेशन या अबॉर्शन के तौर पर भी काम आती है, स्पेसिफिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर के ऊपर, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा है ई वन का एगोनिस्ट है, माइसोप्रोस्टोल है, कहते हैं माइसोप्रोस्टोल को प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट के साथ यूज किया जाता है, उसका नाम है माइफोप्रोस्टोन, माइफोप्रोस्टोन और माइसोप्रोस्टोल RU486। तो ये यूज होते हैं अबॉर्टिव फेशेंट के साथ, अबॉर्टिव फेशेंट के तौर पे यूज हो सकते होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या, पहला ऑब्स्टिकल यूज किया, लेबर को इंड्यूस करना, मतलब जो E2 अल्फा है, E2 वाला क्या करता है, डाइनोप्रोस्टोन ये सर्विकल सॉफ्टनिंग करवा देता है, जबकि E2 और F2 अल्फा ये अबॉर्टिव पेशेंट है, माइसोप्रोस्टोल E1 ये भी क्या होता है, ये भी अबॉर्टिव पेशेंट है, जब इसको प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट माइसोप्रोस्टोन। इसके बाद है पीडियाट्रिक, जो PGE1 है इसका एगोनिस्ट होता है माइसोप्रोस्टोल, ये किसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये पेटेंट डॉक्टर्स आर्टरियोसिस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अभी हमने थ्योरी में देखा था वहां पे E2 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे E1 है, तो हम E1 को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड डायलिसिस, अब जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डायलिसिस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, स्पेसिफिकली जो PGI2 होता है, इसका जो होता है एप्रोप्रोस्टिनोल है, इसका एगोनिस्ट कौन होता है, एप्रोप्रोस्टिनोल है, तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक करने के लिए, स्पेसिफिकली डायलिसिस मशीन के अंदर। अगर पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या यूज करती है, PGE1, जैसे हमने कहा था कि जो PGE1 है स्टोमक की म्यूकोसा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, तो माइसोप्रोस्टोल यूज होता है पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए। यूरोलॉजी के अंदर PGE1 के एगोनिस्ट जिसमें एल्प्रोस्टेडिल है, ये यूज करते हैं, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंस हो गया इंपॉर्टेंस को ठीक करने के लिए। इसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा लेटानोप्रोस्टोल यूज करते हैं ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए, क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देती है, किस तरह से, ये आउटफ्लो को बढ़ा देती है। अब इनके क्या क्या क्लिनिकल यूज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 वाले का क्या था, माइसोप्रोस्टोल था, एल्प्रोस्टेडिल था, क्या था, एल्प्रोस्टेडिल था, जो माइसोप्रोस्टोल था अबॉर्टिव पेशेंट था, दूसरा क्या यूज था इसका, डक्टस आर्टेरियोसिस था, जो तीसरा क्या यूज था, तीसरा था इसका पेप्टिक अल्सर, और चौथा क्या यूज था, ये इंपॉर्टेंस के लिए यूज होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अभी तो इसे PG1 था, PG1 डेरिवेटिव माइसोप्रोस्टोल, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज और अबॉर्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया, जबकि एल्प्रोस्टेडिल है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। PGE2 डाइनोप्रोस्टोन किसके लिए यूज होता है, अबॉर्टिव पेशेंट के लिए, और किसके लिए यूज होता है, सर्विकल राइपनिंग के लिए, लेबर को इंड्यूस करने के लिए। PGF2 अल्फा डेरिवेटिव लेटानोप्रोस्ट ये यूज होता है ग्लोकोमा वगैरह के लिए, ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देती है, आउटफ्लो को बढ़ा देती है। तो ये तो हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन को भी देख लेते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन था एप्रोप्रोस्टिनोल था, तो ये वेजल डायलेटर के तौर पे काम आता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए और एंटी प्लेटलेट एजेंट इन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस, जबकि इसका कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है थ्रोम्बोक्सिन E2 की, बल्कि ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देता है, ठीक हो गया। अभी तक हमने देख लिया इनके यूजेस इनके एगोनिस्ट के, अब हम इनके एंटागोनिस्ट के देख लेते हैं। कहते हैं जो इनके एंटागोनिस्ट होते हैं वो डिफरेंट लेवल के ऊपर जाके काम करते हैं, किसके, इकोसिनाइड्स के, फॉस्फोलाइपेस E2 और साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक करने के लिए कौन कौन होता, कॉर्टिकोस्टेरॉइड था, साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक करने वाला कौन था, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लिपोक्सीजिनेज को ब्लॉक करने वाला जिलियोटन और इसके लुकास्ट वगैरह थे, इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करते थे मोंटोलुकास्ट और ज़ेफिरोलुकास्ट। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एराकिडोनिक एसिड की प्रोडक्शन को कम से कम कर देते हैं, उसके साथ साथ और ये साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 2 स्पेसिफिकली साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 2 उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक हो गया। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का था, दैट इज वाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसके बाद है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो ये क्या करती है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन इसकी फॉर्मेशन कम से कम होना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल की है इबुप्रोफेन नेप्रोक्सिन, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 2 और टाइप 1 दोनों को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, लेकिन ये टाइप 1 को ज्यादा ब्लॉक कर देती है एज कम्पेयर टू टाइप 2, ठीक होगा, जिसकी वजह से कहते हैं कि जो साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 1 है ये तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल था, लेकिन जो टाइप 2 था ये इन्फ्लेमेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, तो हमें कुछ ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जो 2 वाले के लिए स्पेसिफिक हो। एग्जाम्पल है सिलिकॉक्सेब स्पेसिफिक है साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 2 के लिए, ठीक हो गया, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है ज्यादा। इसके साथ साथ रोफिकॉक्सेब है, वेल्डिकॉक्सेब है, ये भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे CVS की टॉक्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है, डेट इज वाई दे आर विदड्रॉल फ्रॉम मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं कि जो एस्पिरिन होती है, एस्पिरिन
एस्पिरिन की वजह से ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन क्यों ज्यादा हो जाती है? देखो एस्पिरिन ने क्या कर देना, साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक कर देना, इसकी वजह से रैकेडोनिक एसिड ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा किसकी तरफ, ल्यूकोट्राइन पाथवे की तरफ, लिपोक्सीजिनेज एंजाइम के लिए रैकेडोनिक एसिड ज्यादा अवेलेबल होगा, तो वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेगा, ल्यूकोट्राइन ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। दैट इज वाई जो एस्पिरिन एलर्जी है वो आपको देखने को मिलती है, क्यों, ल्यूकोट्राइन के ज्यादा होने की वजह से। अब एंटीप्लेटलेट एक्शन होता है किसका, एस्पिरिन का, वो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एस्पिरिन ने थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों को ही सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया, लेकिन थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस होता है प्लेटलेट के अंदर जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से वो मजीद थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन था वो एंडोथेलियम से प्रोड्यूस हो रहा था, तो एंडोथेलियल सेल के पास तो न्यूक्लियस होता है तो वो नया बना सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। जब वो नया प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने गए तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनने की वजह से क्या होगा, तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एंटी थ्रोम्बोजेनिक इफेक्ट, दैट इज वाई दे आर यूजफुल इन द पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक वगैरह, ठीक है, तो स्ट्रोक वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होते हैं, हमारे फीवर वगैरह भी कॉज करवा देते हैं, E2 वाले स्पेसिफिकली, तो फीवर को कम करने के लिए भी हम एस्पिरिन वगैरह यूज करते होते हैं। इसी तरह अगर डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज कराना हो तब भी हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। इसके साथ लास्ट है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला ज़ेफिरोलोकास्ट, मोंटोलोकास्ट और इसके एंजाइम को ब्लॉक करने वाला ज़िलियोटिन, ये यूज होते हैं किनके लिए, एस्थमा के लिए। अब इनके इसको देख लेते हैं, अब इनके क्लिनिकल यूजेस, तो पहले हम एस्पिरिन वगैरह को देख लेते हैं, ठीक है। अब इनके क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है कि चैप्टर नंबर 36 में देखें, लेकिन हमें आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रोक वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी या फीवर को कम करने के लिए, पेन वगैरह को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर आपको खत्म हो जाता है, बहुत शॉर्ट से चैप्टर था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट द मेजर इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2 F2 अल्फा I2 ल्यूकोट्राइन B4 C4 D4, इनके मेजर इफेक्ट क्या होगा, दोबारा बता देता हूँ, जो C4 D4 किया शॉक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, B4 किया कीमोटैक्टिंग एजेंट है। अब इसके बाद देख लेते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, E2 के पहले देख लेते हैं, E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों मिलकर वैसोडायलेशन के तौर पर काम आते हैं। इसके साथ साथ जो E2 है, E2 ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को मेंटेन करने के लिए काम आता है, E2 इसके अलावा एंडोमेट्रियम में रिलीज होता है, पेन वगैरह करवा देता है, E2 सर्विकल सॉफ्टनिंग करवा देता है, E2 लेबर को इंड्यूस करवा देता है। इसके बाद देख लेते हैं हम E1, जो E1 है, E1 वैसोडायलेटर है और इसके साथ E1 है स्टोमक की म्यूकोसा को मेंटेन करता है, F2 अल्फा डिसमेनोरिया का असर करवाते हैं, F2 अल्फा लेबर को इंड्यूस करते हैं, F2 अल्फा के डेरिवेटिव इंट्राकुलर प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्लूकोमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इसके इफेक्ट हो जाते हैं। लिस्ट द सेलुलर साइट ऑफ सिंथेसिस एंड इफेक्ट, थ्रोम्बोक्सिन बनता है प्लेटलेट के अंदर और वो बनता है कहाँ पे, एंडोथेलियल सेल के ऊपर, इफेक्ट क्या होगा, एक ब्लड क्लॉट की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, कम कर देता है। लिस्ट द टाइप ऑफ करंटली अवेलेबल एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कौन कौन से, ज़ेफिरोलोकास्ट, मोंटोलोकास्ट, ज़िलियोटिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए क्या थे, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और हमारे होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इन लिस्ट द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन, अब एस्पिरिन करते क्या, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन के ऊपर क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से एस्पिरिन इंड्यूस एलर्जी देखने को मिलती है जो ल्यूकोट्राइन की वजह से होती है। तो ये हो गया हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन वाला चैप्टर, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके हमारी आर्मी का हिस्सा बन जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।